लेकिन आपके जो चेहरे की मुस्कुराहट है ये आपको खुद ही एक्सपोज कर रही है। मैं लौट रही हूँ शहनवाज, ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास। पहले भट्टी साहब आपकी मुस्कुराहट पर ही चर्चा कर लेते हैं। ये बच्चियां किसी की भी हो सकती हैं। इस जल्लाद के जुल्म पर आप दो शब्द कहेंगे, सवाल तो बाद में पूछूंगी आपसे। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी सोच, आपकी मुस्कुराहट किस वजह से है जरा बता दीजिए। लक्ष्मी जी सुनिए, जिस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ये मेरे घर की बात कर रहे हैं इसलिए मैं हाथ रहा हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट में 30% मेरे हिंदू भाई हैं और 70% मुसलमान हैं, और आज दिन तक एक भी ऐसा फसाद वहां से डिस्ट्रिक्ट रजौरी से ना जम्मू कश्मीर में सुनने को आया होगा ना देश में। रजौरी में जिस स्कूल में इस बच्ची के साथ अहमद नाम के, एक सेकंड वकार भट्टी, आपको सिर्फ बोलने की नहीं है सर, यहाँ सुनना भी पड़ता है उसके बाद बोलना पड़ता है। सुनिए जरा, रूल्स फॉलो किया करिए, डिबेट के कुछ रूल्स होते हैं। हिंदू मुस्लिम ना करें तो बेहतर है। हिंदू मुस्लिम नहीं, मैं हिंदू बच्ची की बात कर रही हूँ। अपनी सोच और मानसिकता को दायरे में रखकर जवाब दीजिए। मैं पूछ रही हूँ कि इस अहमद नाम के जल्लाद को किसने हक दिया तिलक लगाने कर आने पर एक बच्ची के साथ इस तरह की बेरहमी से पिटाई? आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? पहले सुनिए तो सही ना मैम, सुनते क्यों नहीं आप? जस्टिफाई पहले मुझे बोलते, मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। पहली बात सुनिए, मैं अभी रजौरी में कह रहा हूँ, मैं इस टाइम जम्मू में हूँ, मैं रजौरी के तमाम मुसलमानों से भी और हिंदुओं से अपील कर रहा हूँ, इस टीचर ने बच्ची को मारा है। जहाँ मिलता है इस्लामी तौर तरीके से रमजान का महीना है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। शब्दों को करेक्ट करिए, इसलिए टोक रही हूं मैं आपको। इस्लामी तौर पर यहाँ किसी को सजा देने का अधिकार नहीं है, यहाँ संविधान के तौर पर उसको सजा दी जाती है। ये जो आपकी मेंटालिटी है इसको चेंज कीजिए। बोलिए आगे। सुनिए ना मैम, मैं कहना, पहले पूरी बात सुनते, मैं कानूनी एसएसपी रजौरी से ये कह देना चाहता हूँ, एसएसपी रजौरी से, एसएचओ से, और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है मैं उनसे कह देना चाहता हूँ, क्योंकि इसने बच्चियों के ऊपर हाथ उठाया है, बच्चियों के ऊपर जुल्म किया है। इस टीचर ने चाहे वो कोई भी तौर तरीका क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इसको ऐसी सजा दीजिएगा कि इसकी साथ पुछने तक याद रखेंगे कि कोई टीचर कोई स्टार बच्चियों के ऊपर इस तरीके का हाथ कभी ना उठा सके आज के बाद। अच्छा लगा मुझे, मैं डिमांड कर रहा हूँ। अच्छा लगा वकार भट्टी, अच्छा लगा आपके मुंह से ये सुनकर। मेरी बेटी है, मेरे रिश्ते की बेटी, इसीलिए मैंने कहा कि आपके चेहरे पर एक बच्ची के जख्मों को देखकर मुस्कुराहट कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती सर, किसी जल्लाद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट नहीं आ सकती। हो सकता है कि आपको टॉपिक ना बताओ इसलिए आप मुस्कुरा रहे हो। नहीं नहीं, हो सकता है सर, हालांकि हमने पहले वीओ के जरिए, एक पूरे पैकेज के जरिए, एक एंकर लिंक के जरिए पूरा समझाया कि मामला क्या है, लेकिन आप स्टार्टिंग से मुस्कुराहट आपके चेहरे पर थी। मैं लौट रही हूँ आपके पास।